Hello class six students, I am your English teacher. We will read about English grammar. Our topic is kinds of sentence, वाक्य के प्रकार. There are five kinds of sentence, but we will read two parts of sentence. First है assertive sentence. Assertive sentence को हिंदी में बोलेंगे साधारण वाक्य. Assertive sentence की definition है a sentence in which some statement or declaration is given is called assertive sentence. Assertive sentence की two parts हैं. First है affirmative sentence और second है negative sentence. Affirmative sentence and negative sentence. Affirmative sentence को हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक वाक्य और negative sentence को हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कोई बात कही जा रही है वो सिंपल से तरीके से कही जा रही है, और नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है, जो बात कही जा रही है उसमें इनकार किया जा रहा है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस का, फर्स्ट है ही रीड्स अ बुक. वह इसका भी हुआ, वह एक किताब पढ़ता है. अब मैं नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल दूंगी. ही डस नॉट रीड अ बुक. वह एक किताब नहीं पढ़ता है. सेकंड नंबर पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य. इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस इन विच सम क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम. मैंने फर्स्ट पे लिखा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है. जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसके एंड में क्या लगाया, इंट्रोगेटिव मार्क. इंट्रोगेटिव मार्क. तो जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह. थैंक यू.